बोलो तैयार रहे, भर्ती आने वाली है, तो तकरीबन अप्रैल के महीने में आपका फिजिकल होने के पूरे चांस है, तो आप बिल्कुल इसमें रहें कि अगर ये। जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का जो स्पेशल वीडियो है टीए आर्मी भर्ती 2023 के अंदर जो नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन जो आ रखा आएगा, और पूरे आज से ये नोटिफिकेशन दो दिन पहले ही आ गया, तो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि काश ये नोटिफिकेशन सही हो, ये सही है कि नहीं है, तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी मैं रात को तकरीबन 12 बजे मैंने ये वीडियो बना के डाला था, और अभी इसके नोटिफिकेशन के ऊपर मैं जो कुछ बातें हैं मैं आपको क्लियर बताता हूं आपको। तो सबसे जरूरी कि ये जो भर्ती है ये तकरीबन आएगा इसमें 17 मई से लेके और 2 जून तक ये भर्ती है, ये तो आप लोगों की जो ये भर्ती है जिसमें समय जो बताया गया है वो 17 मई से लेके और 3 जून के बीच की जो भर्ती है, तो तकरीबन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल तैयार रहे और भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार रहे, और उसमें डेट इसमें कन्फर्म कर दी गई है कि तो ये जो भर्ती है जो सबसे पहला जो आप नोटिफिकेशन मैसेज आया है जीमेल अकाउंट से आया है जीमेल से, तो ये तकरीबन बच्चों के पास 2-3 बच्चों के पास आप देख सकते हैं आया हुआ है, और तकरीबन ये 115 इन्फेंट्री टीए बटालियन जो कर्नाटक बेलगांव के अंदर है, तो ये खबर भी बिल्कुल सही है, और कर्नाटक बेलगांव के अंदर वहां पर टीए बटालियन यहां पर ये 115 वहां पर है प्रेजेंट है, तो ये भर्ती है। और दूसरा है इसमें है कि इसका जो फॉर्म भरने की डेट जो है वो 6 मार्च से लेके और 12 मार्च के बीच में आपको इसमें फॉर्म भरना आएगा, तो तकरीबन ये सबसे पहला जो मैं टीए का अपने आपको वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें कंफर्म किया था कि टीए आर्मी के आने वाले समय में फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, तो काफी लोगों ने कहा था कि सर आप ये टीए आर्मी का कर देंगे भर्ती डायरेक्ट होती, तो मैं आपको उस टाइम मैंने बताया था कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो आज भी मैं कह रहा हूँ आने वाले समय के अंदर टीए आर्मी के अंदर जो भर्ती है उसमें पहले आपका पंजीकरण होगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जिस प्रकार से अग्निवीर भर्ती के अंदर हो रहा है, तो सबसे जरूरी है कि इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अभी यहां से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सही है या गलत है, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और ज्यादा क्या है इस वीडियो को शेयर करें जो बच्चों टीए की भर्ती को देख रहे हैं, तो जरूरी है कि काफी मेरे फौजी भाइयों ने मेरे साथियों ने काफी इस पर वीडियो बनाया है और उन्होंने सब कहा है कि ये टीए की भर्ती आ चुकी है, मैं कह रहा हूँ ये ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन आया है सही होना चाहिए, मैं चाहता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये चल देंगे नोटिफिकेशन सही हो जिससे बच्चे क्या है भर्ती को दे सके, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी कुछ एक मेरे पॉइंट्स है इसके अंदर कि जो इसके अंदर वेबसाइट दी गई है जो बच्चों को मेल आ रहे हैं जो वेबसाइट दी गई है अभी तक ओपन नहीं हो रही है, 2 दिन बाद ये भर्ती हो रही है तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, काफी लोगों ने कई और भी दूसरी वेबसाइट जो निकाली है तो उसके अंदर भी उसमें ओपन हो भी रही है, खबर निकल भी रही है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं जो भी हमारी टी आर्मी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है, तो इस खबर को यहां से इसलिए मैं बोलता हूं होता कि ये खबर फेक हो, अगर हो सकता है मैंने पहले कह दिया कि अगर आपकी खबर सही निकलती है तो बहुत अच्छी है और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि भर्ती आप लोगों को मिले। दूसरा है कि कम आपको फॉर्म भरने के लिए समय बहुत कम देना तो ये भी है। तीसरा सबसे बड़ा है कि जो मैं अपने साथियों से बात कर कहता हूं तो तकरीबन वो कहते हैं कि जो अभी जो टीए आर्मी की जो भर्ती है बटालियन नहीं कराएगी, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आने वाले समय में टीए आर्मी की भर्ती जो पहले बटालियन के लेवल पे होती थी जैसे इसमें नोटिफिकेशन आया है कि 115 जो टीए है उसके अंदर इसमें भर्ती होना है नहीं, तो क्या आने वाली भर्ती टीए आर्मी की जो भर्ती है जो चेंजिंग आ रही है उसके अंदर सबसे बड़ी बात है उसमें जो बात हो रही है कि टीए आर्मी की जो भर्ती तो ऐसा ना भी हो और ऐसा हो सकता है कि टीए आर्मी की जो भर्ती है वो बीआरओ और एआरओ के अंडर होगी, तो बटालियन में अभी तक ऐसी कोई खबर, क्योंकि इसलिए बटालियन वाले ही बोल रहे हैं कि हमारे पास भर्ती की कोई भी खबर अभी तक नहीं है, तो जितनी बटालियन में हम फोन कर बातचीत करते हैं तो तकरीबन बटालियन के लोग बोलते हैं कि भर्ती के ऐसी कोई भी हमारे पास खबर नहीं है। हाँ ये जरूर कि वो कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी टीए आर्मी की भर्ती होगी वो बीआरओ और एआरओ के अंडर होगी, मतलब वो लोग वहां से भर्ती होगी स्टार्ट होगी, तो तकरीबन ये इसमें नोटिफिकेशन में ये आता है इसमें कि महार रेजिमेंट टीए इन्फेंट्री 115 बटालियन करवा रही है, तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये फेक न्यूज ना हो है। दूसरा है कि जो इसके अंदर कोई भी आपके आने वाले समय के अंदर कुछ एक टी आर्मी के अंदर जो चेंजिंग है होनी है वो भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो रही है और वो भी सेम टू सेम आ रहा है, तो चेंजिंग का तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि चेंजिंग कितनी आएगी, लेकिन ये है
कि तकरीबन क्या है वहां पर भी अगर हमने बात करते हैं तो वहां पर हमने खबर लेते हैं तो वहां पर भी ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है, तो इस कारण से इसको फेक लग रहा है। हाँ ये कन्फर्म है आने वाले समय के अंदर, बच्चों बिल्कुल घबराए नहीं, अगर ये नोटिफिकेशन सही होता है तो भर्ती आपकी आ चुकी है। अगर भर्ती आएगी फिर भी मैं बताता हूँ कि आपको इसी महीने के अंदर कुछ ना कुछ खबर आपको मिलेगी और अप्रैल के महीने में आप अप्रैल के महीने में भर्ती देख लोगे, ये कंफर्म है। ये तकरीबन ये समझो कि ये न्यूज बिल्कुल सही है कि आपकी भर्ती जो आने वाले समय में आप अप्रैल के महीने में भर्ती आपकी टी आर्मी की जरूर आ रही है। और तकरीबन ये खबर हर जगह जहां भी हम बात करते हैं सभी का ये कहना है बिल्कुल तैयार रहे, बच्चों को बोलो तैयार रहे, भर्ती आने वाली है तो तकरीबन अप्रैल के महीने में आपका फिजिकल होने के पूरे चांस है। तो आप बिल्कुल इसमें रहें कि अगर ये नोटिफिकेशन सही होता है तो भर्ती आपको मिल चुकी है, अगर नहीं भी होता है तो आपको अप्रैल में भर्ती जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल ये ना मैं आप लोगों को निराश करने के लिए तकरीबन मेरे साथियों ने वीडियो बनाया कि भर्ती आपको आ चुकी, मैं आपको निराश करने के लिए वीडियो नहीं कह रहा हूं कि भर्ती नोटिफिकेशन फेंक है, लेकिन आपको मेरा फर्ज है आपको अच्छी खबर देना, बताना जो बातें हो रही हैं। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो मेरे को इसमें और अच्छी खुशी होगी कि आप लोगों को भर्ती मिल चुकी होगी। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा तकरीबन डिस्क्रिप्शन में नंबर आप मैं आपको डाल दूं, मोबाइल नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तकरीबन मैसेज करें, कॉल ना लगाए कि ज्यादातर मैसेज करें, मैं आपकी मैसेज पक्का जवाब दूंगा। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। जय।